कि पहली बार ये ऐसा मौका हुआ यहाँ डीसी साहब का आना इधर। हमें तो ऐसी ख्वाब भी नहीं देखी थी कभी कि हम भी यहाँ हमारे पास कोई डीसी साहब आएगा। हमें बहुत खुशी है इस बात की। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब डीसी साहब को कि ऐसा डीसी भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत हमदर्द आदमी है, गरीबों के हमदर्द हैं। इनको गरीबों की हमेशा ख्याल है कि गरीब कैसे हैं। ठीक है ना जनाब, ग्राउंड को पूरा बनवा दीजिए, इसका रास्ता पूरा करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हो अपने डीसी साहब का कि जिसने हमें इस काबिल समझा, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस पंचायत में आ गए। बरंदर ऊपर जहाँ से पानी भी, जहाँ एक झरना भी जबरदस्त बहता है, तो सर उस पानी के साथ में कहीं पार्क बन जाते ताकि पिकनिक के लिए भी यहाँ लोग आ जा सकते थे। मैं तो सभी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ सारे डिपार्टमेंट का कि ये हर वक्त जो भी कुछ काम काज वगैरह होते हैं हमारे इलाके के, तो ये हर टाइम हमारे काम करते रहते हैं। प्रैक्टिस पिच बनाया है, इस क्रिकेट प्रैक्टिस पिच को सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी सरपंच साहिबा के हाथों हमारे यूथ क्लब को दे दिया जाए। किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। एक चीज जरूर पूरे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की दाद देना चाहूंगा कि आज इन्होंने अपने लीडरशिप में इनकी इस बात को माना है कि सारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और उसके लिए मैंने भी ZDO साहब से बात कर ली है। एक हमारा स्कूल है जिसमें केवल 4 बच्चे हैं और 2 या 3 टीचर है, तो वहां से हम एक टीचर एलोकेट करते हैं। वहां पे जो हमारे 22 बच्चे हैं, एक कमरा आप लोग आइडेंटिफाई कर लो क्लासेस लेने के लिए, तो अगले 1 साल का उनका क्लासेस का हो जाएगा। इसका हमें एक ऑर्डर निकाल दें। तो अब ये तो इन्होंने ST कम्युनिटी ने तो लीडरशिप रोल ले लिया भाई, कि इनके बच्चों की पढ़ाई एक बड़ा मसला होता था। ये बैकवर्डनेस का कारण ही तालीम ना मिलना था। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जहां पे हम लोग अपने लेवल पे मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे वहां करेंगे, लेकिन हम अपनी पंचायत के लिए खुद इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा।